नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्रिकेट की न्यूज आ रही है जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग जो भाई क्रिकेट के फैन हो, आप सभी लोग चाहते हो क्रिकेट की न्यूज आप सभी तक रोजाना पहुंचे, तो आपको भाई करना क्या है, बस करना है सब्सक्राइब और उसके बगल में दिया है घंटी का बटन, उसको भी याद से दबा दीजिए। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के साथ में, जहां पे जो है ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस ने ऐसा बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम को विराट कोहली का बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी खतरा नहीं है, क्योंकि ऑजिस की टीम के पास फुल प्रूफ प्लान है कि किस तरीके से विराट कोहली को आउट किया जाए और रोका जाए। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को विराट से ज़्यादा खतरा नहीं है। तो भाई अभी ये इनका प्लान कितना कामयाब होता है नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, विराट कोहली मैच से पहले अपनी बराबर तैयारी करके आते हैं तो भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम आप बिल्कुल बच के रहिए। बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। हमको पता है भाई मोहम्मद सिराज के साथ में क्या हुआ, उनके फादर का जो है देहांत हो गया, जिसके बाद जो है भाई होती है अपने बीसीसीआई, ये लोग ने कहा कि सिराज को कि भाई आप इंडिया जाइए अपने फैमिली के साथ में रहिए क्योंकि उनको इस वक्त आपकी ज़रूरत है। लेकिन भाई सिराज ने जो है साफ साफ इनकार कर दिया कि वो जो है टीम इंडिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये जो है कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल फैसला है, अपने देश के लिए खेलना बहुत ही गर्व की बात है, जो कि मोहम्मद सिराज ने आज दिखा दिया कि वो जो है इंडिया वापस नहीं गए, वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी आ रही है खबर लंका प्रीमियर लीग से। शुरुआत करते हैं भाई डेल स्टेन के साथ में। तो भाई खुश खबर आ रही है, डेल स्टेन जो है ये साल के लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे, उसका नाम है कैंडी टस्कर्स। तो भाई स्टेन गन जो है तैयार हो जाइए, कैंडी टस्कर्स की टीम में डेल स्टेन खेलेंगे। बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। तो यहाँ पे जो है खबर आ रही है एक टीम है जिसका नाम है गैले ग्लैडिएटर्स। तो भाई इस टीम ने जो है शाहिद अफरीदी को उनका कैप्टन डायरेक्टली बना दिया लंका प्रीमियर लीग में, उस टीम का नाम है गैले ग्लैडिएटर्स। और साथ ही में जो है लास्ट खबर आ रही है एलपीएल को लेके कि जो पाकिस्तान के कमरान अकमल, आपको याद है भाई ये विकेट कीपर बल्लेबाज पाकिस्तान का कमरान अकमल, भाई यहाँ पे जो है लास्ट मूवमेंट पे जो है कमरान अकमल ने अपने नाम को वापस ले लिया कि वो ये साल जो है लंका प्रीमियर लीग में नहीं खेलेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग जो है ऑनलाइन बैटिंग करना पसंद करते हो, क्रिकेट, कैसीनो, फुटबॉल, हॉकी, तब आपके जो है भाई स्क्रीन के ऊपर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को आप लोग नोट कीजिए, इस पे जो है कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि भाई मैं आपको जो है एक ऐसी वेबसाइट बता रहा हूँ, इस नंबर पर जाने के बाद जो है आप लोग इनके वेबसाइट पर ऑनलाइन बैटिंग आराम से खेल सकते हो जो भी आपको खेलना है। बात करते हैं डिपॉजिट विड्रॉल की, तो यहाँ पे जो है आप सभी को इंस्टेंट विड्रॉल डायरेक्टली मिल जाएगा। और डिपॉजिट की बात रही, अगर आप लोग जो है पवन कोड, इस कोड का इस्तेमाल करते हो डिपॉजिट पे, तब आपको जो है 250 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। तो भाई जो लोग सच में इंटरेस्टेड है ऑनलाइन बैटिंग बिल्कुल सेफ, तो आपका नंबर जो आपको सामने दिख रहा है इस पे जाइए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ताकि आपको जो है ये लोग अपनी जानकारी दे सके। आप जो है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 100% सेफ है। बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो भाई क्या रोहित शर्मा की इंजरी की रिपोर्ट है, अभी जो है कल रोहित शर्मा ने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि जो उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी है वो एब्सोल्युटली फाइन। इसका मतलब आप लोग समझिए कि इस वर्ड का शर्मा ने बोला है कि एब्सोल्युटली फाइन, मतलब कि भाई 99% हैमस्ट्रिंग जो इंजरी है रोहित शर्मा की वो कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है। फिलहाल जो है रोहित शर्मा लगातार बीसीसीआई और मुंबई इंडियंस दोनों को जो है अपनी जानकारी दे रहे हैं कि वो कम्प्लीटली फिट है, रिकवर कर चुके हैं। और साथ ही में जो है हिटमैन शर्मा ने ये भी कह दिया है वो जो है टेस्ट मैच में कौन से भी नंबर पे खेलने के लिए तैयार है, अब चाहे टीम मैनेजमेंट उनसे ओपनिंग कराए, नंबर 5 पे भेजे, नंबर 6 पे भेजे, कौन से भी नंबर पे भेजे रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा टेस्ट मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है कौन से भी पोजिशन पे। बात करते हैं श्रीसंत की। तो भाई काफी लंबे समय के बाद जो है श्रीसंत हम सभी को क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। यहाँ पे जो है दरअसल केरला क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन, इन्होंने जो है एक प्रेसिडेंट T20 कप का आयोजन किया है दिसंबर के महीने में, और इस जो है T20 कप में श्रीसंत हम सभी को खेलते हुए दिखेंगे काफी लंबे समय के बाद। बात करते हैं मार्क बाउचर और एबी डिविलियर्स की। मार्क बाउचर ने भाई अपना हाल ही में इंटरव्यू दिया था, उसमें बताए जिस तरीके से एबी डिविलियर्स आईपीएल में खेल रहे हैं, 2020 में भी खेले,
फिलहाल उनका मानना ऐसे ही है कि भाई डिविलियर्स आप संन्यास से वापस आ जाओ और अपने देश के लिए दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलो। हम सभी फैंस भाई यही चाहते हैं, डिविलियर्स इतने अच्छे फॉर्म में है, इतनी अच्छी कला है, तो भाई आप अपने देश के लिए क्यों नहीं खेल रहे हो। हालांकि ये जो है एक इंडिविजुअल फैसला है, हर एक इंसान का अपना अपना फैसला होता है, तो भाई हम सभी का मानना है और जो मार्ग बाउचर इनका खुद का ऐसा मानना है कि डिविलियर्स को जो है संन्यास से वापस आ जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं भाई आने वाले टाइम में डिविलियर्स क्या फैसला करते हैं। अब बात करते हैं भाई पाकिस्तान के चार प्लेयर्स, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, ये चार प्लेयर्स को जो है भाई पाकिस्तान की टीम ने ए कैटेगरी की सैलरी देगी। पहले जो है भाई हाल ही में पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड थी भाई, इन्होंने जो है ये चार प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, लेकिन अभी जो है ये चार प्लेयर को पीसीबी की बोर्ड जो उनकी ए होती है कैटेगरी, उस हिसाब से जो है सैलरी देगी। बात करते हैं भाई पोंडुचेरी की। अगर आप लोग जो है ड्रीम इलेवन फैंटेसी खेलते हो तब आपको जो है मालूम रहेगा फिलहाल जो है पोंडुचेरी की T20 लीग चालू है, लेकिन अब इसको लेकर जो है बुरी खबर आ रही है। जो अगला एडिशन होने वाला था पोंडुचेरी T20 लीग का, इसको जो है भाई कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया पोंडुचेरी क्रिकेट एसोसिएशन ने, क्योंकि भाई उसके अंदर जो है कुछ तो फिक्सिंग का और कुछ और जो है मामला सामने आया, जिसके चलते जो है जो उनका अगला एडिशन होने वाला था वो हम सभी को होता हुआ नहीं दिखेगा। एट दी एंड बात करते हैं वुमेन बिग बैश लीग की। तब यहाँ पे जो है एक बहुत ही ऐसा हादसा हो गया जो कि समझ से बाहर था। अगर आप लोग जो है भाई बिग बैश लीग देखते हो उसके अंदर क्या होता है, मैच से पहले जो है सभी टीम्स को 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस करना पड़ता है और उन 15 मेंबर से जो है सिर्फ 11 प्लेयर्स खेलते हुए दिखते हैं। लेकिन सिडनी सिक्सर ये एक टीम है वुमेन्स में, जिन्होंने जो है उनके 15 मेंबर के स्क्वाड में हेली सिल्वर होम, ये एक जो है वुमेन्स की प्लेयर है, इसका नाम 15 मेंबर के स्क्वाड में नहीं था, लेकिन ये खिलाड़ी जो है डायरेक्टली प्लेइंग 11 में खेली। तब ये जो है भाई इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड जो है कर रही है कि भाई आखिरकार ये खिलाड़ी 15 नंबर के स्क्वाड में नहीं थी फिर भी कैसे खेली प्लेइंग 11 में, इसकी जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। क्या आप सभी को पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर है? वो है भाई शेन वॉटसन, जहाँ पे जो है वॉटसन ने 124 का हाईएस्ट स्कोर मारा है इंडिया के सामने, जो कि सबसे हाईएस्ट है। तो ये थी मेरी आज की न्यूज़, वीडियो और फैक्ट। मैं आपको मिलता हूँ भाई कल के वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।